चंडीगढ़ में वीरवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी शहरी निकायों के पार्षदों और प्रमुखों ने शिरकत की। बैठक का मकसद शहरी निकायों की कार्यप्रणाली में आ रही दिक्कतें और सदनों के संचालन की जानकारी पार्षदों को देना था। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने की। इसके अलावा हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के अलावा कई विधायकों और सीनियर नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद अर्जुन हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि बैठक के दौरान बुलाए गए सभी नेताओं, विधायक और सांसदों से सुझाव लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को दी जाएगी, ताकि रिपोर्ट के अनुसार शहरी निकाय में काम करने की प्रणाली में बदलाव किया जा सके और इनकी ताकत बढ़ाई जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक महीने में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। जो नियम है संचालन के, उसमें किस प्रकार से हमारे मेयर्स को, चेयरपर्सन्स को मजबूती मिले, उसके लिए एक होमवर्क आज यहाँ किया है। राजीव जैन जी, मनीष ग्रोवर जी और सभी मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, सीनियर डिप्टी मेयर्स, उनके सुझाव लिए हैं और ऐसी एक रिपोर्ट बनाकर वो शहरी विकास मंत्री अनिल विज को सौंपेंगे, जिससे उस प्रकार के रूल्स में कुछ परिवर्तन आए, जिससे हमारे मेयर्स की ताकत, हमारे हाउस की ताकत वो बढ़े। दूसरा, कुछ संचालन के सुधार की प्रक्रियाएं हैं जिनकी चर्चा की है। तीसरा, बहुत सारे विभाग काम करते हैं नगरीय क्षेत्र में, उनके आपसी तालमेल की चर्चा भी की है। इनका खुद का सामर्थ्य बढ़े, उसकी भी चर्चा की है, तो उस सब की चर्चा हुई है। इसके लिए हमने बहुत सीनियर लोगों को, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगर परिषद से की, नगर निगम से की, ऐसे लोगों को भी बुलाया, जैसे हमारे कृष्ण पाल जी गुर्जर, केंद्रीय मंत्री, बहुत वर्षों तक वो नगर निगम में पार्षद के नाते से काम करते रहे, उनके अनुभव सबके साथ साझा हुए। ऐसे ही ज्ञानचंद जी गुप्ता, वो चंडीगढ़ के मेयर रहे और मेयर्स की एसोसिएशंस के अध्यक्ष रहे, उनके भी हमने विचार लिए। ऐसे ही अभी जो चंडीगढ़ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मेयर रहे, उनके भी हमने जो है सुझाव थे वो लिए। ऐसे ही मनीष ग्रोवर जी, ये भी हमारे पार्षद से जीवन शुरू करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो ऐसे सब लोगों को भी, ऐसे जिनका ज्ञान इस क्षेत्र में काफ़ी गहरा और अनुभव का था, उन सबको बुलाया। और हमने विज साहब को भी बुलाया, शहरी विकास मंत्री को, कि ये सब हमने आज की वर्कशॉप की है, इसमें से जो सुझाव निकले वो सुझाव हम आपको सौंपेंगे, जिससे हमारी नगरीय सरकारें और अच्छा काम कर सकें। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक